सो आ गया तुम्हारा भाई अक्ति एक और नई वीडियो लेकर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्ति गेम यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले एक सर्वाइवल वर्ल्ड, मतलब खेल रहे हैं सर्वाइवल वर्ल्ड, शुरू कर दिया है, शुरू करने वाले नहीं है। सो एक बार फिर से हम लोग सर्वाइवल खेल रहे हैं। तुम लोगों को पता ही है जब मैं ये सब कोई वर्ल्ड खेलता हूँ वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ज़्यादा दो तीन वीडियो आती है। तो देखते हैं ये सर्वाइवल वर्ल्ड कितने दिन चल पाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सर्वाइवल की जर्नी। सबसे पहले लकड़ी काट लेते हैं। मैंने इतनी लकड़ी इकट्ठा कर ली है कि अब सभी टूल्स बन जाएंगे। वैसे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं सर्वाइवल खेल रहा हूँ कि चैलेंजिंग वर्ल्ड खेल रहा हूँ। यार ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल और सभी टूल्स बन के रेडी। और आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि मैं एक आइलैंड के ऊपर हूँ। देख रहे हो, पूरा एक आइलैंड है। मैं तो सोच रहे पूरे आइलैंड को कब्जा कर लेते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे टॉर्च वगैरह लगा देंगे, कोई मॉब भी नहीं आएगा, पूरे आइलैंड को कब्जा करेंगे। ये हुई ना बात। अब मैं जा रहा हूँ पूरे आइलैंड को कैप्चर कर लूँगा अपने सर्वाइवल के पहले दिन में ही, पूरा आइलैंड। बताओ कितनी बड़ी बात हो गई ना। तो सबसे पहले लकड़ियाँ काट ली जाए ताकि आगे का सिस्टम फिर देखते हैं लकड़ियाँ काटने के बाद क्या होता है। यार टॉर्च के लिए कोल तो मैंने कहीं यहीं पर देखा था अभी टहलते घूमते। चलो कोल का जुगाड़ कर लूँगा मैं। सो अभी बारी आती है कोल ढूंढने की। कोल किधर मिलेगा यार? इधर स्टोन है, इधर शायद मिल जाए कहीं पे। अरे ये रहा ना कोल। हाँ यहीं पर तो मैंने लगता है देखा था यार। सो कोल खोद लिया है, अभी जल्दी टॉर्च बना लेते हैं। लेकिन अभी कोल खोदते खोदते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग ज़मीन के नीचे घर बनाए, मतलब अंडरग्राउंड बेस बनाएंगे। पहले अंडरग्राउंड बेस बनाएंगे, उसके बाद ज़मीन के ऊपर भी एक घर बना लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अंडरग्राउंड बेस बनाया कहाँ से जाए, यहाँ से शुरू करें। हाँ इधर देखो ना, इधर देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक चिकन फंसी हुई नीचे, पता नहीं क्यों का करने के लिए गई है वो। सो मैंने जो सोचा है वो सही सिस्टम रहेगा। पहले बना लेते हैं टॉर्च यार, वरना जल्दी रात हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक सबल बना लो और टॉर्च। सो इधर तो टॉर्च लगा दिया है, अब उधर लगाते हैं। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी टॉर्च लगा दो, कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। मॉब जल्दी बहुत जल्दी स्पॉन हो जाते हैं तुम्हारे पास, तुमको पता भी नहीं चलेगा मॉब तुम्हारे पास स्पॉन हो जाएगा। कभी माइनक्राफ्ट में सनसेट देखा है? देख लो सनसेट ऐसे होता है। अरे सन कहाँ पानी में घुसता चला जा रहा है, ये माइनक्राफ्ट का सन भी बड़ा अजीब है ना। तो हम लोग अभी थोड़ा कॉबलस्टोन खोद रहे हैं ताकि कॉबलस्टोन की पिकैक्स बना ले। कॉबलस्टोन की पिकैक्स बनाने थोड़ा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉबलस्टोन यहाँ। अरे 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 रे 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 रे। सो आखिरकार क्रीपर टॉर्च लगाने के बाद विस्पॉन हो गया। अरे वहाँ मैं टॉर्च भूल कैसे गया यार लगाने के लिए। तो चलो अब क्रीपर को मारना पड़ेगा, वरना कहीं इधर उधर जाते समय क्रीपर ब्लास्ट हो गया ना, दिक्कत हो जाएगी। अरे यार मेरी हंगर बार पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हंगर बार ख़त्म हो गया। ये लो क्रीपर के साथ जॉम्बी भी फ्री दे दिए। अरे यार ये जॉम्बी का शकल, एक तो पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ, ये जॉम्बी का सिस्टम कुछ ठीक नहीं हो, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, जॉम्बी का सिस्टम ख़राब हो गया। देख रहे हो जॉम्बी कैसा लग रहा है। अरे भाई जॉम्बी, चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर दूंगा मैं, जॉम्बी बेचारा। अरे क्रीपर कैसे बुड्ढों की तरह भागते हुए आ रहा है। अरे 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 क्रीपर, अरे मैं भाग भी नहीं पा रहा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये ले और आ जा, ये ले गया, चार शॉट में ख़त्म। क्रीपर के तो पावर ही नहीं है। सो ये जो जॉम्बी मीट मिला इसको खा लेते हैं, बाकी सबसे तो थोड़ा हंगर बार देगा, फोर हंगर बार देता है बताओ। और तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले अपना थोड़ा अंडरग्राउंड बेस बनाना। चार ब्लॉक खोदे हैं, कॉबलस्टोन की पिकैक्स बना लिया जाए तो बाकी शुरू किया जाए। सो एक पिकैक्स से तो काम होने वाला है नहीं, दो दो बना लेते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं खुदाई। भाई बहुत जगह तो खोदना है, जितना ज़्यादा बड़ा खोद पाऊँगा उतना बड़ा खोदूंगा मैं, रुकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल अंदर इतना बड़ा बना डालूंगा ना, किसी ने सोची ना होगी। सो देख रहे हो इतनी बड़ी जगह खोद डाली तुम्हारे भाई अक्ति ने। तो अभी इसको बहुत ही लंबा ले जाना है, अपना पूरा इसके अंदर पूरा महल बना डालूंगा। तुम लोग सोचते क्या हो, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। अगली वीडियो में इसको पूरे आइलैंड पे फैला दूंगा। और यहाँ पे कोल कैसे छूट गया मैंने ध्यान नहीं दिया, बगल में ही कोल था, मैं ऐसी वैसी पूरी। भाई कितना कोल था यहाँ पे, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। और सैंड मिल गई इसी बहाने, हमको जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। सैंड का भी काम है ना, दरअसल ग्लास लगाना है। अभी ग्लास कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ ना, आप देखते रहो, मैं लगाता हूँ तो बताता हूँ। तो यार इधर ऊपर किधर से जाना है? अरे ऊपर जाने के लिए भी रास्ता वास्ता बनाना पड़ेगा, वैसे इतना सारा कॉबलस्टोन है कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ऊपर चढ़ने बहुत समस्या होती है।
थोड़ा सा जीने पे रेनोवेटिंग और कर दिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा ये लगा दिया है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेयर्स लगा दिया है, अभी और अच्छा लग रहा है। पहले अंदर जाने की व्यवस्था अच्छी कर लेते, फिर भी यहाँ पे थोड़ा अच्छा बना देते हैं इसको। अभी लग रहा है ना किसी अंडरग्राउंड बेस के जैसा, बस यहाँ पे दरवाजा और लगा देना, काम बन जाएगा अपना। नहीं, दरवाजा नहीं लगाएंगे तो कोई भी मॉब अंदर आता जाता रहेगा, मतलब बेफालतू में मुझसे कोई क्यों मिले, मैं नहीं चाहता ना मिलना, खास करके तो क्रीपर जॉम्बिस से बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं वो लोग। तो ई हो गया हमारे घर में इनाबुरेशन, देखा पीके की भाषा बोल रहा हूँ मैं, इनाबुरेशन हो गया घर में। इसका मतलब क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो छोड़ो। सो मुझको अभी इधर एक खिड़की बनानी है, लेकिन इतनी ग्रेवल गिर रही है मेरा पूरा बेड। सो गाइज, अगर आपको सर्वाइवल का पहला पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिख देना। मैं जानता हूँ आप लोग लिखोगे नहीं, लेकिन गुड बाय, मैं अगली वीडियो में मिलूंगा पक्का।